आइए, आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डिप्रेशन ड्यू टू ब्रेकअप पेशेंट स्टडी। एक लड़का आज ही मेरे पास में आया, अपने माँ बाप के साथ में आया था। आईटी इंजीनियर है, जब से वो स्कूल में था तब से ही स्कूल की जो उसकी दोस्त थी लड़की, उसके साथ में था वो, और अच्छी दोस्ती थी। दोनों भी इंजीनियर बने, भले अलग अलग क्षेत्र के, और दोनों को अच्छा जॉब भी मिला। कास्ट एक नहीं थी, मगर दोनों काफ़ी साल से एक दूसरे को जानते थे, फैमिली जानती थी, तो फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोई ऐसा अपोजिशन नहीं था। और वो ऐसा उनका तय था कि भाई आगे चल के अपने को शादी करने की है। मगर ये जो लड़का था, इसका ऐसा हो गया कि वो जो लड़की है उसका बिहेवियर उसको कुछ तो भी अलग दिखने लगा। और एक दिन लड़की ने उसको बोला ही कि भाई मुझे ना आपसे शादी करनी नहीं है, और मुझे तो US में जाने का है। तो इसको एकदम अचानक ये हो गया कि अरे ये क्या हो गया, नए लाया है। तो फिर धीरे धीरे उसने बोला कि नहीं, मेरी तो ऐसी इच्छा ही नहीं थी, मैं तो कभी शादी का कभी प्रॉमिस किया ही नहीं है तुमको, हम तो ऐसे दोस्त थे, मुझे तो US जाने का है, मेरे तो दिमाग में पहले से ही था कि मुझे US जाना है और वहाँ सेटल होना है, और मैं तो एग्ज़ाम भी दिया हूँ US जाने के लिए, और एक अच्छे कंपनी में मुझे ऑफर भी आ सकती है, और मैं US जाऊँगी। फिर उसको मालूम पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है। अचानक उसको ये मालूम पड़ा कि ये कभी कभी लड़की गुस्सा भी करती है, अचानक कभी कभी ऐसी भावनाओं में आके कुछ बोल भी देती है। मगर प्यार इतना था कि ये जो बातें थी वो उसको समझ में नहीं आ रही थी। उसको ठीक है, चलता है, दोस्त है, चलता है। मगर फिर जब उसने बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी और मेरे को US जाना है, तो उसको लगा ये क्या हो रहा है। और जब वो नहीं बोल रही तो जबरदस्ती करने में मतलब नहीं, मगर ये तो बहुत डिप्रेशन में चले गया कि ऐसा कैसा नहीं बोल रही है। फिर उसको ये भी मालूम पड़ा कि वो लड़की और किसी के प्यार में है, और भी डेटिंग इसको तो भी कर रही है। तो उसको फिर और धक्का बैठ गया कि ये क्या हो रहा, क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तभी भी उसके साथ में प्यार करता था, बोले ठीक है, अब होती है गलती किसके साथ में, मुझे तो मतलब वही लड़की चाहिए, उसके साथ में मैं इतने साल रहा है और हम दूसरे को जानते हैं, तो शादी तो मैं उसके साथ नहीं करूँगा। मगर वो लड़की तैयार नहीं तो क्या करेंगे। माँ बाप इसको समझा रहे कि वो बोल रही कि मैं US जाऊँगी, वहाँ सेटल होना है। इसको लड़के को कभी US जाने का नहीं था, कभी उसने प्लान भी नहीं किया था, उसको तो यहीं रहना था माँ बाप के पास में, अच्छी से अच्छी खासी नौकरी भी मिल गई थी, तभी तो इस सवाल ही नहीं था US जाने का। मगर जब उसने ये भी मालूम पड़ा कि भाई कोई लड़के के साथ में है, तभी भी उसने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है भाई चलता है ऐसा। मगर वो लड़की जब बोलती कि मेरे को शादी करना ही नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, इतना डिप्रेशन आ गया, रोना धोना रोज का, ये ऐसी कैसी बर्ताव कर सकती है लड़की, मगर ऐसा करती क्यों है, ऐसा लोग कैसा बर्ताव कर सकते हैं, और मेरी क्या गलती हो गई। खुद को बहुत गिल्टी मानता था कि मेरी ऐसी क्या गलती हो गई कि मैंने उसको कुछ दिया नहीं है, या मैंने ऐसा क्या किया कि उसने मुझे ठुकरा दिया। वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे, चैटिंग कर रहे, मगर अभी वो लड़की ने मना कर दिया उसके साथ में मिलने के लिए, और बोली मेरे को तो फ्लाई करना ही है जल्दी से जल्दी। अब इसका सब बर्ताव देख के माँ बाप चिंतित हो गए कि इसका करना क्या, रोज रोता है, कंपनी में जाता है, काम करता है, कंपनी से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी करना क्या है इसका। मैंने देखो भाई, आप उसके साथ में शादी करते थे और बाद में मालूम पड़ता था कि भाई इसका कुछ तो भी अफेयर है, बाद में मालूम पड़ता था कि भाई इसका बिहेवियर जो है बराबर नहीं है, तो फिर क्या करते थे, प्रॉब्लम आता था। तो आप ये आपको नसीबवान समझ लो, भाई आपको पहले ही मालूम पड़ा सब ये, उसका मन उधर क्यों गया, वो US में क्यों जा रही है, उसका कुछ नहीं, अभी क्या करते बोलो, अभी राइट नाउ करना क्या है, जो उसको फेस करना है। अभी ये बताओ कि आपको दुखी कितने दिन रहने का है। ऑलरेडी 3 महीने तो हो गए मेरे पास में आया, तो मतलब 3 महीने तो हो गए आप दुखी हो, खाना खाना बंद, वजन कम हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, रोना धोना चालू है रोज, सुसाइड के विचार आ रहे। अभी आपको ये कितने दिन चलाने का, महीना चलाने का, 6 महीने चलाने का। देखो आप तो ठीक होने वाले है ही पक्के, आपको क्या करना है, यहाँ रोते बैठना है कि कुछ जिंदगी बनाने का है, आपको क्या संभावना दिख रही है। तो उसके 3-4 सेशन मैंने लिए काउंसलिंग में, उसको ये समझ में आया कि जो हो गया वो पास्ट है, उसका भी कुछ नहीं कर सकते, अतीत अतीत में रखो और अभी क्या संभावना निर्माण कर सकते वो देखो। उसको काउंसलिंग किया कि भाई चलो अच्छा है, आपने तो सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेशन कौन सा है कि शादी के पहले सब मालूम पड़ा, ऐसा लफड़ा है, कुछ ऐसे सॉफ्ट साइंस रहते हैं, सॉफ्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस मतलब ऐसे बारीकी से कुछ रहता है कि ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति का बिहेवियर जो है ना वो कुछ तो भी गड़बड़ है, मगर उसको हम पकड़ सकते नहीं है कि भाई ये प्रॉब्लम है या ये साइकोसिस है, ये पागल, ऐसा पकड़ नहीं सकते, मगर ऐसा लगता है कुछ तो भी गड़बड़ है।
तो चलो कुछ तो भी गड़बड़े आपको आज ही दिख गई, आगे चल के पता नहीं क्या होगा, तो हो सकता है कि फुल फ्लेज पूरा साइकोसिस डेवलप हो जाएगा, मालूम नहीं आपको, हो सकता नहीं भी होगा, क्या मालूम। मगर आज अभी जो है वो ये है कि उसने नहीं बोला हुआ है, वो लड़की तैयार नहीं है शादी करने के लिए, आपकी शादी करने की इच्छा है उसके साथ में, मगर अभी वो जा रही है। तो चलो जो मालूम हो गया वो उसको एक्नॉलेज करो, जो मालूम हुआ वो ऐसा है, और अभी क्या संभावनाओं की निर्मिति आप करते हो, कौन सी संभावना निर्माण करते हो, आपका करियर क्या करते हो, आपका क्या करियर का गोल है, चलो बताओ। मैंने बोला क्या कमिटमेंट है आपका करियर में क्या करने का, नहीं बोले अच्छे खासे कंपनी में बहुत बड़ी तनख्वाह की नौकरी करना है, चलो ये करो। वो कमिटमेंट है आपका, और क्या कमिटमेंट है, बोले फिटनेस का कमिटमेंट है, मुझे सिक्स पैक्स करना है और जिम में जाके मेरे को मैंने महाराष्ट्र केसरी में इसको कंपटीशन में भाग में, चलो वो करे। तो आपका क्या कमिटमेंट है वो करो, रादर देन अभी आप डिसाइड करो, एक दिन दुखी रहना है, आठ दिन दुखी रहना है, एक महीना दुखी रहना है कि छह महीने दुखी रहना है, चॉइस आपका है। बोले नहीं मेरे को समझ में आ गया, मैं बस आज का दिन जो हो गया वो हो गया, अभी मैं सब ये ड्रॉप कर रहा हूँ और उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि ये जो है वो अभी है, व्हाट इज सो, और अभी मैं इसको नया निर्माण मेरी जिंदगी का करूँगा, जो हो गया उसको अतीत में डाल दूंगा, ऐसा बोल के उसने मेरा कोचिंग का जो था उसको समाप्त करके वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए चले गए। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो आजकल मतलब डेटिंग तो बहुत कॉमन हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो एकदम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उल्टा ऐसा है यदि आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है तो लोग ऐसा समझते कि बहुत ही बैकवर्ड है और उसमें भावनाओं में इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर कभी इसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई और सेक्स के इसमें इन्वॉल्व हो गए वो, तो वो फिर ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है और वो अटैचमेंट एक बार हो गया फिर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आपने ये देखना है स्पेशली माँ बाप ने कि अपना लड़का कहाँ जा रहा है, लड़की कहाँ जा रही है, किसके साथ में घूम रहे हैं, उनको जो आपने मोबाइल दिए मोबाइल में क्या चालू है, कौन सी पोस्ट डाल रहे हैं उसमें, कौन से उनके दोस्त है ना, चैटिंग क्या कर रहे हैं, नेट पे कितना समय कमा रहे हैं, क्या करें वो देखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपका बच्चा आपके हाथ से कब निकल जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि वो कहीं चले जाएगा, पागल हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, पता नहीं क्या होगा, वी डोंट नो। क्योंकि अभी जो लड़का अभी मैं बात कर रहा हूँ, पहले सुसाइड की बात कर रहा था, क्योंकि सुसाइड करना अभी कुछ जीवन में रहा नहीं है, तो मैंने पेरेंट्स को भी बोला कि भाई तभी भी इसके ऊपर ख्याल रखो, ऑब्जर्व करो, है ना, ताकि अपन, नहीं तो एक जिंदगी का सवाल है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।